प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, देश में 3 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन, ज्यादा सख्त होंगे नियम। कश्मीर में 2 बच्चियां ठीक, ताली बजाकर अस्पताल से मिली छुट्टी। अब तक प्रदेश में 8 लोग हो चुके हैं ठीक, जिन्हें अस्पतालों से मिली है छुट्टी। ऑनलाइन कक्षाओं में पिछड़ रहे सरकारी स्कूलों के बच्चे, विद्यार्थियों के पास नहीं लैपटॉप और स्मार्टफोन। भूख से लड़ने के लिए पुलिसकर्मियों ने डंडा छोड़, हाथ में पकड़ी कड़ची। जम्मू कश्मीर में 12 तबलीगी जमात सदस्यों समेत 25 संक्रमित, सभी कश्मीर संभाग से, संख्या 270 हुई। किश्तवाड़ में 1.5 साल में 6 आतंकी हमले, 3 नेताओं समेत 4 की हत्या। फिर बढ़ सकती है अमरनाथ यात्रा पंजीकरण की तिथि, लॉकडाउन की वजह से पड़ेगा तैयारियों पर असर। पंजाब में जम्मू कश्मीर के क्वारंटाइन किए गए करीब 1500 लोगों को 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर आज आएंगे घर। रजौरी में अच्छी खबर, 27 मार्च बाद कोरोना से संक्रमित कोई मामला नहीं आया सामने। देशभर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1211 मामले सामने आए और 31 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 10,363 हो गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच देशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश किया जारी। संदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खड़े रहने से बड़ी कोई देशभक्ति और क्या हो सकती है। कोरोना संकट, चीन में कोविड-19 टीके के लिए दूसरा चरण का क्लिनिकल परीक्षण शुरू। रविवार को इसके दूसरे चरण के परीक्षण के लिए 500 स्वयंसेवियों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में एक ही दिन में 356 नए मरीज, 325 तबलीगी जमात के, कुल मरीजों की संख्या हुई 1510। पाकिस्तान में घातक कोरोना वायरस से 334 नए मामले आए सामने। देश में इससे संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 5374। चीन के वुहान में पैदा हुआ कोरोना वायरस संक्रमण अब पूरी दुनिया में 19,03,206 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 1,18,362 का उच्चतम स्तर छू चुका है।